स्वागत है दोस्तों। दोपहर का समय है और मैं अपने खेत में हूँ जहाँ पर कद्दू की खेती किया गया है और ये लगभग 10 डिग्री के दायरे में इनका खेती किया गया है। देख सकते हैं सूर्य देवता कितना जोरों से चमक रहा है। अभी दोस्तों दोपहर का समय है और चलिए आपको दिखाते हैं हमने कौन सी गलती किया है जिसको आपको नहीं करना चाहिए और कद्दू फल लगने का कंडीशन कैसा है। तो देख सकते हैं ये कद्दू का पौधा है जो कि पूरी तरह से 10 डिसमिल में लगा हुआ है और ये दोस्तों इनका जो नार है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फैल रहा है। तो ये देख सकते हैं अभी एक साइज का हमें कद्दू दिखा है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इनका साइज़ दोस्तों लगभग अभी ये आधा किलो से एक किलो के साइज के आसपास हो चुका है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। इधर भी एक कद्दू लगा हुआ है दोस्तों जो कि अभी पूरी तरह से हरा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति या कोई रोग वगैरह अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल में। और इसी में दोस्तों देख सकते हैं एक और फल लगा हुआ है लेकिन जो इनमें फल लगने की मात्रा है बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि इनमें जो नर फूल की जो मात्रा है दोस्तों इन पौधों में बहुत ज़्यादा लग रहा है और कुछ नर फूल का जो दिखाई देने का उद्देश्य है दोस्तों ये देख सकते हैं जो नर फूल कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें किसी भी प्रकार के फल वगैरह नहीं लगते हैं और जो कि ये पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जो नर फूल लगा हुआ है जिससे इसमें फल लगने की प्रक्रिया बहुत ही कम है। और सबसे बड़ा कद्दू की बात करें दोस्तों तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास ये अवेलेबल है जिसका भी साइज़ लगभग 5 kg के आसपास हो चुका है और अभी इनका बढ़ने का समय अभी पूरा बचा है दोस्तों। ये बढ़ ही रहा है और ये लगभग दोस्तों 8 से 9 किलो के आसपास जाएगा। जो बीज के बेचने वाले थे उनके कहना था कि ये 8 से 9 किलो के साइज का होने वाला है और ये फिलहाल 3 से 4 किलो के आसपास है। इन्हीं मात्रा में लगभग हमारे पास 20 से 30 कद्दू के फल लगे हुए हैं दोस्तों और जो उनमें फल लगने की संख्या वो अभी चल ही रहा है लेकिन जो फल दोस्तों बहुत ही कम लग रहे हैं क्योंकि इनमें जो नर फूल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जैसे हमने पहले भी दिखाया देख सकते हैं ये नर फूल है और इनमें किसी भी प्रकार का फल वगैरह नहीं लगा रहता है इनमें यदि फूल को हम तोड़ के देखते हैं तो, और ये एकदम यूजलेस बेकार होता है। और यहीं यदि हम मादा पुष्प की बात करें तो मादा पुष्प में हम देख सकते हैं ये यहाँ पर फल लगा होता है, ऊपर में फूल होता है तो किसी तरह से मादा फूल होता है और ये इनका आप हमने पहले भी बताया 3G कटिंग की जो प्रक्रिया है आप उनको पूरा करते हैं तो इनमें जो फल लगने की संख्या वो बढ़ जाती है। और हमने क्या गलती किया है दोस्तों देख सकते हैं हमने इसमें आधे जगह में मूँगफली लगा था लेकिन गलती ये किया है कि हमने इसी में जो कद्दू का पौधा है उसको लगा दिया था जिसके कारण जो हमारी मूँगफली का ग्रोथ है या जो मूँगफली का नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो कद्दू है ये पूरी तरह से जो मूँगफली है दोस्तों उसको ढक दिया है। तो आप भी ये गलती कभी भी ना करें, जब भी आप नारगवर्गीय फसल लगाते हैं तो उनको कहीं किनारे पर लगाएं, मेड़ों के किनारे पर लगाएं जिससे जो लगने वाला फल है वो मेड़ पर जाएगा और ये मूँगफली को अभी पूरी तरह से फ़िलहाल घेर चुका है जिसके कारण जो हमारी मूँगफली का ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये मूँगफली का पौधा है और ये भी लगभग 2 माह का हो चुका है और ये कद्दू भी उसी ग्रोथ में है चूँकि दोनों को साथ में लगाते हैं। तो जब भी आप मिश्रित खेती करने के बारे में सोचें तो आप जो कद्दू वर्गीय सब्जियां उनको लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। जो गलती हमने किया वो गलती आप ना करें। और ये देख सकते हैं कद्दू का फल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और चैनल पर न तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।